इसलिए भगवान महावीर ने एक प्यारा सा सूत्र दिया है। भगवान महावीर ने चार शब्द इस इंसान को दिए हैं। अरे वो चार शब्द नहीं, चार वेद हुआ करते हैं, वो चार आर्य सत्य हुआ करते हैं, वो महावीर के चार शब्द। ध्यान रखना, इनसे बड़ा ना कोई आगम होता है, ना शास्त्र होता है, ना पुराण होता है। महावीर ने इस दुनिया को केवल चार शब्द दिए हैं। महावीर ने इतना ही कहा है, इस मानव जीवन को सफल करना है तो चार सत्य में जियो। वो चार सत्य हैं, वो चार वेद हैं, वो चारों धाम की यात्रा है। वो चार शब्द इस धरती को दिए, जियो और जीने दो। इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई आगम नहीं हुआ करता है। ना वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है। चार शब्द में उन्होंने अपनी पूरी देशना को समाहित कर दिया, चार शब्द में पूरे दर्शन को रख दिया भगवान महावीर ने। ऐसे दार्शनिक हुए, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान महावीर से पूछा गया कि एक आप बताइए एक सेंटेंस में धर्म का सार क्या है, तो महावीर ने कहा जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, सारी दुनिया समा गई इसमें, सारे ग्रंथ समा गए इसमें। ध्यान रखना, 11 अंग 14 पूर्व का सार समाया है। ये इतना साधारण अक्षर नहीं है, इतने साधारण शब्द नहीं है कि बैनरों पर लिखवा दिए जाए वो हमारी इति श्री हो जाए। ध्यान रखिए, जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने सबसे पहले कहा है जियो, ध्यान रखना, उसके बाद जीने दो। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा है, स्वार्थी क्यों बना दिया कि पहले खुद जियो फिर दूसरों को जीने दो। तो महावीर ने कहा ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ हुआ करता है। अरे जो आदमी खुद जीना नहीं जानता है वो दूसरों को जीवन दान कहां से दे सकता है। पहले खुद जियो, कैसे जीना है, जब खुद ही नहीं जियोगे तो जीने दो कहां से आ जाएगा जीवन में। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा शब्द है ये भगवान महावीर का। धर्म निरपेक्ष है, सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कल एक सांसद महोदय मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज भगवान महावीर पर कोई ऐसी पुस्तक है जो सरल शब्दों में लिखी गई हो। मैंने कहा पुस्तकें तो बहुत हैं, समझने वाला चाहिए। उन्हें नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। तो मैंने कहा महावीर को पढ़ने के लिए पोथियों की पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ करती है, महावीर को समझने के लिए ग्रंथों की जरूरत नहीं हुआ करती है। मैंने कहा मेरे महावीर का स्वरूप देख लीजिए, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं हुआ करता है। और महावीर का यदि सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो जियो और जीने, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना, चाइना हथियारों का आविष्कार कर रहा है, पाकिस्तान अणु बम की धमकी दे रहा है, अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है, भारत में भी हथियारों की होड़ लगी है। मालूम है किस लिए, कि अमन चैन की स्थापना हो। लेकिन इन्हें कौन समझाए, मैं पुलक सागर कहता हूं कि विश्व में अमन चैन जब भी आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सारी दुनिया को महावीर के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, महावीर के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा, महावीर के उपदेशों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि चाइना सोच ले जियो और जीने दो, पाकिस्तान सोच ले जियो और जीने दो, भारत सोच ले जियो और जीने दो, तो क्या करोगे हथियारों का मेरे भाई, क्या करोगे इन शस्त्रों का, क्या करेगा आदमी शक्ति संपन्न होकर के। जियो और जीने दो। जैन कुल में पैदा होके इन शब्द की महिमा नहीं समझ में आई, बहुत बड़ी ताकत है। जब घर में झगड़े हो, विवाद हो, लड़ाई हो, एक ही सूत्र अपनाना, जियो और वहां हमारी समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है। सूत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है, सूत्र को महत्वपूर्ण कर लो, रातों रात घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे मेरे भाई। समाज में विवाद हो जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए, परिवार में झगड़े हो जाए, कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कितना भी बड़ा अपराध कर दे, आदमी एक सूत्र जुबान पर ले आए, जियो और
क्या अपराधियों को जीने का हक नहीं है इस धरती पर? उन्हें भी जीने का हक है मेरे भाई, पापियों को भी जीने का हक है। महावीर जैसी दृष्टि, महावीर जैसा सोच। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महावीर के इस देश में, महावीर के इस समाज में, महावीर के इस पंथ में आत्महत्या करना महावीर का सबसे बड़ा अपमान है मेरे भाई। इससे बड़ी कायरता दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। आत्महत्या के विचार कभी मत बनाओ, विचार बनाना भी पाप है। मरने के पहले क्यों मर जाते हो? ध्यान रखिए, जिंदगी में जीने की बात ना रखिए। मरने में रखा क्या है? कौन सी बहादुरी मेरे भाई मरने में? कौन सा बड़ा मेहनत करना पड़ता है? दो चार भक्त मेरे पास आए, बोले महाराज हम आपके शिष्य हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, क्या करें? बोले हम आपके भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आप आदेश करो। मैंने कहा क्या आदेश करूं? बोले जो आप कहोगे वो काम हो जाएगा। मैंने कहा तू मेरा शिष्य बन के क्या करेगा? बोले आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, सब कुछ अर्पित है आपके लिए, तन अर्पित है, मन अर्पित है, जीवन अर्पित है। इनका जीवन नहीं चाहिए मुझे, तन नहीं चाहिए मुझे, मन नहीं चाहिए मुझे। तो बोले महाराज आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं अपने भक्तों में ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को मैं अपना भक्त नहीं बनाता हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। अरे मेरे लिए मरने को तैयार मत रहो। सच्चा भक्त यदि मुझ पे मर जाएगा तो वो सच्चा भक्त नहीं होगा। अरे महावीर भगवान को मरने वालों की जरूरत नहीं, महावीर भगवान को तो जीने वालों की जरूरत हुआ करती है। धर्म के नाम पर जियो मेरे भाई, धर्म के नाम पर मरो मत। महावीर ने नहीं कहा कि धर्म के नाम पर मरना, महावीर ने तो कहा है धर्म के नाम पर जीना। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है, 2-5 मिनट का काम है। एक फंदा लगाया, आंखें बंद की, 2 मिनट में जिंदगी खत्म। एक बंदूक लगाई, जिंदगी खत्म। गला घोट लिया, जिंदगी खत्म। मरना कौन सी बहादुरी है? मरने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई, मर गए। ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। मरने में 2 मिनट लगते हैं मगर जीने में 100 साल की जिंदगी लग जाया करती है मेरे भाई। जीना बहादुरों का काम हुआ करता है, संघर्षों में जूझना बहादुरों का काम हुआ करता है, विपरीत परिस्थितियों में जीना ये बहादुरों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मुझे याद आ रहा है वह व्यक्तित्व जिसने कई बार हार मानने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी। ध्यान रखिए इतने जल्दी जिंदगी से हार जाते हो, आत्महत्या कर लेते हो। नहीं मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है जिन लोगों ने आत्महत्या की है ना, कभी उनकी कब्रों पे जाके पूछना, कभी उनकी चिताओं में जाके पूछना, जो मर गए हैं उनसे पूछना कि बताओ मेरे भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। यदि सुन सको और तुम्हारे कान में ताकत होगी तो भीतर से आवाज आएगी कि जो गलती मैंने कर ली है, ऐ भले मानस ये गलती तू अपनी जिंदगी में दोबारा कभी मत करना, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना, भाव हिंसा मत करना, आत्महत्या के भाव मत बनाना। महिलाओं से खास कर निवेदन है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महिलाएं किया करती हैं, सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। आत्महत्या के भाव मत बन, ये तो बात बात पे बनाती हैं आत्महत्या के भाव। पति ने काम नहीं सुना, सुनो जी तुमने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी। अरे उसने काम नहीं किया तुम मर जाओगी, सड़े से काम में मर जाओगी। मरो मत। भगवान महावीर कहते कि मरने के भाव यदि बना लिए, एक बात ध्यान रखना, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। यदि आपने भाव बना लिए तो जैन आगम कहता है कि जिस समय आप कह रहे हो मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो जाए, फिर आप मरे या ना मरे आपकी दुर्गति जरूर होने वाली है, कोई बचाने वाला नहीं है। फिर मरो या ना मरो, ऐसे भाव बना ली और आयु कर्म का बंद हो गया तो नरक गति की पात्र बना करती हो। ध्यान रखिए, नरक जाने का द्वार खुल जाता है।
सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या के भाव से आयु का बंद हो जाए तो नरक मिला करता है। अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। नरकों की जिंदगी हो जाएगी। क्या सोचते हो कि मरने के बाद समस्याओं का अंत हो जाएगा? अरे मेरे भाई, आत्महत्या तो खुद एक समस्या हुआ करती है। आत्महत्या से समस्याओं का अंत नहीं हुआ करता है, जीवन का अंत नहीं हुआ करता है। चिताओं के बाद एक जिंदगी फिर जीना है हमें, ध्यान रखिए।